मैं गोपी और देते हैं मैट्रिक लिखा हुआ तो एक से लेकर 20 तक, फिर ये रिवर्स हो रहा है 20 से लेकर एक तक, तो ये मैट्रिक है, तो देखते हैं सर भवेश सर कितने मिनट में सॉल्व कर पाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यदि एक से लेकर 20 तक और 20 से लेकर फिर क्वेश्चन रिवर्स कर रहा है, तो रिवर्स वाले जो संख्या है ये जो 20 है इसका स्क्वायर करके यही आपका आंसर हो जाएगा। हम बच्चे को एक टास्क देते हैं, मैं एक टास्क बच्चों के लेके आया हूँ, और बच्चे सब इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर इसका योग कितना होगा।